मेरे प्यार बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया हो? चलो देखो, आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो इसके पहले जरा ओम्स लॉ याद करो कि हमारे पास बेसिक सर्किट हुआ करती थी और उस बेसिक सर्किट में हम करंट, वोल्टेज और ईएमएफ के बारे में तमाम रिलेशन डिस्कस करते थे और सिंपल वी इज इक्वल टू आई इंटू आर वाले फॉर्मूले से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करते थे। ये जो किरचॉफ्स लॉ है, ये ओम्स लॉ का एक तरह से एक्सटेंडेड फॉर्म है। यानी हमारे पास जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आएंगे और उस सर्किट में हमें करंट वोल्टेज को फाइंड करना रहेगा, तो फाइनली हम इसकी मदद लेंगे किरचॉफ्स लॉ की। यानी किरचॉफ्स की मदद से हम किसी सर्किट में पोटेंशियल, करंट और तमाम इसमें और भी टर्म्स यूज हैं, उनको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स ने हमें दो लॉज दिए थे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। इस लॉ को जानने से पहले हम कुछ कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे टर्म्स जो हम किरचॉफ्स लॉ में यूज़ करते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास उसमें टर्म आएगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क? ऐसे हमारे पास टर्म आएगा लूप। क्या आएगा? दैट इज कॉल्ड लूप। एंड इस तरह से हमारे पास जंक्शन आएगा, जंक्शन। तो ये छोटे छोटे टर्म्स जो हैं वो क्या हैं, जरा इसको एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं। इसके बाद हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ये क्या चीज है, तो ये आप सिंपल कह सकते हो कि हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस, सेल इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये सर्किट हमारी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज यूज फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है ना। आप सपोज कर लो कि आपके पास सर्किट है, इसमें इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, सेल यहाँ दे रखा है, फिर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, फिर आपके पास और भी एक सेल यहाँ दे रखा है, इस तरह से आपको एक सेल और दे रखा है, इस तरह से ये जो सिस्टम हमारा बनेगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो आप सिंपल कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या है, तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ऐसे हमारे पास जो दूसरा टर्म है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन, ठीक है। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। जंक्शन किस टर्म को कहेंगे, तो जंक्शन क्या है, जंक्शन एक ऐसा सिंपल एक पॉइंट है जहां पे एटलीस्ट दो कंडक्टर्स वहां पे आएंगे। यानी यहां आप कह सकते हो कि जंक्शन एक ऐसा हमारे पास एक टर्म है कि एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ जंक्शन। जैसे सपोज करो हमारे पास एक सर्किट, हमारे पास एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में क्या है, एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे कम से कम क्या, सपोज करो थोड़ा एक्सटेंड कर दें इस सर्किट को, थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें, यहाँ पे एक सेल और ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इस तरह से ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड जंक्शन। ये टर्म हमारा हो गया जंक्शन को लेकर के। ऐसे हमारे पास और भी एक दो टर्म्स हैं, जैसे आपसे कह दिया लूप और मेस। लूप और मेस क्या हो गया, तो कह रहा है एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप, ठीक है। आप सिंपल देखो, लूप का मतलब हो गया, आपको क्या समझना है, थर्ड टर्म जो हमारा है दैट इज कॉल्ड लूप। लूप क्या है, ये क्लोज पाथ है। देखो आप क्लोज पाथ, जैसे आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो ऐसे, ये क्या है, दिस इज द क्लोज पाथ, दिस इज कॉल्ड लूप। ऐसे आप इधर से चलो, ये भी एक क्लोज लूप हो गया, ठीक है। आप यहां से चल करके ऐसे आ जाओ, ये भी आपका एक क्लोज लूप हो गया। तो ये लूप हो गया। लूप किसको कहते हैं, तो बेसिकली लूप क्या है, तो एनी क्लोज कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज कॉल्ड लूप। इस लूप को दूसरा नाम इसका मेश भी है, मेश भी इसका कहते हैं। तो ये जो टर्म्स हैं, हम लोग आगे चल के इसको यूज करेंगे। कहीं कहीं आपको टर्म्स आएंगे, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आएगा, मेश आएगा, जंक्शन आएगा, तो यहां हम लोग समझे रहेंगे, तो आगे हमको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसके बाद डिस्कस करने आ रहे हैं क्या, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब हम बात करने आ रहे हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, तो पहले तो देखो इसके कई नाम हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के कई नाम हैं। जैसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ तो आप कहोगे, इसका सेकेंड जो नाम है उसका है जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। इसका एक और नाम है करेंट लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ, या शॉर्ट इसको बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करेंट लॉ।
है क्या ये कि चौथ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो कह रहे कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में किसी जंक्शन पे, किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन पे क्या है, जो टोटल करंट का सम है वो कैसा होता है? जीरो होता है। इनका क्या कहना है कि चौथ जो फर्स्ट लॉ है ये कह रहा है कि किसी सर्किट में, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। किसी जंक्शन में टोटल करंट का सम कैसा, अल्जेब्रिक सम कैसा होगा? जीरो। आप ये सपोज कर लो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें इस तरह से हमारे पास यहाँ एक जंक्शन बना हुआ है। इस जंक्शन पे आप डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हमारा हो गया जंक्शन। सर्किट आगे हमारी बनाई गई है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, यही पॉइंट हमारा क्या है, जंक्शन है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ सर्किट एट एनी जंक्शन इज जीरो। क्लियर हो गया? तो इसमें अगर आप देखो कि अगर हम मान लें कि इस सर्किट में हमारे पास यहाँ पे क्या है, करंट I1 आ रही है, यहाँ से करंट कितनी आ रही है, I2 आ रही है, यहाँ पे देखो इससे करंट, यहाँ देखो ये दोनों करंट हमारी इन कर रही है, ये करंट क्या है, I3 है, और ये करंट क्या मान लो, I4। तो इनका ये कहना है कि इस जंक्शन पे जो समेशन अल्जेब्रिक सम है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। क्या स्टेटमेंट है? इसका स्टेटमेंट यही कहलाएगा कि अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। ठीक है, इस जंक्शन पे करंट का अल्जेब्रिक सम कैसा है, जीरो। तो इससे और क्या पता चलता है, इससे आप एक चीज और क्लियर कर लो, इससे ये भी पता चलता है कि सम ऑफ करंट इंटरिंग ए जंक्शन, सम ऑफ करंट इंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू आउट गोइंग टू द जंक्शन। यानी इस जंक्शन की तरफ जो जाने वाली करंट है वो इस जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट के क्या है, बराबर है। यानी आई वन और आई टू देखो कैसी है, ये इनवर्स करंट है, ये इन है, और ये आई थ्री और आई फोर क्या है, ये बाहर जा रही है। इनका कहना ये है कि ये जो इन है, इन जो करंट है, ये क्या है, आउट करंट के बराबर है। तो यहाँ ये देखो, पहले ये क्लियर कर लो कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है बेसिकली क्या है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, क्या है कि किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है इट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कभी कभी एक नंबर पूछता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करेगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू इस जंक्शन पे टोटल करंट का जो अल्जेब्रिक सम है कैसा है, जीरो है। या इसको हमने दूसरे तरह से बताया कि इस जंक्शन पे जो इन करंट है वो किसके बराबर है, आउट करंट के बराबर है। तो आप ऐसे कह सकते हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या मानते हैं कि जो इन करंट, जो करंट इन होती है इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। यानी जो करंट हमारी क्या होगा, इन करंट, यानी करंट हमारी जो इनवर्स होगी वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगी, और जो करंट हमारी आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड्स करंट जो होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। इस तरह से हमारे पास, जरा देखो इस तरह से हमारे पास इसका अल्जेब्रिक सम करते हैं, अल्जेब्रिक सम का मतलब साइन के साथ। तो ये करंट कैसी है, आई वन और आई टू कैसी, ये हमारी पॉजिटिव है, तो आई वन प्लस आई टू। अब ये क्या करा, आई थ्री और आई फोर ये कैसी करंट होंगी, निगेटिव। ये हो गया आई थ्री माइनस आई फोर, इनका जो सम होगा वो कैसा होगा, जीरो, क्योंकि ये रूल यही कहता है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। सो आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री प्लस आई फोर, माइनस लेने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि करंट ये कैसी हैं, बाहर जा रही हैं, तो जो आउटवर्ड करंट्स होंगी इनको कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। तो आपके पास मिल गया कि आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर। इसका मतलब ये हो गया कि किसी जंक्शन पे जो करंट इन हो रही है वो क्या है, आउट होने वाली करंट के कैसे हैं, बराबर हैं। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आप सिंपल कह सकते हो कि हमारी ये इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट, करंट इज इक्वल टू व्हाट, आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ये सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा ये आपका ये फर्स्ट लॉ है। क्लियर कि क्या है? अच्छा, इसमें और हमने आपने बताई थी इसके और क्या क्या नाम से, तो इसका जंक्शन रूल भी है कि फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल कहोगे या करंट लॉ कहोगे, या इसको शॉर्ट में हम लोग KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। क्लियर? तो ये हो गया हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब हम बात करने आ रहे हैं किरचॉफ्स सेकेंड लॉ की। तो पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि किरचॉफ्स सेकेंड लॉ
इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्लियर. फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. किरचॉफ सेकेंड लॉ के और भी कुछ इसके नाम है, जैसे लूप रूल. लूप रूल अगर कहेंगे तो क्या है, दिस इज किरचॉफ सेकेंड लॉ. और इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. अब आप देखो कि किरचॉफ सेकेंड लॉ है क्या. तो किरचॉफ सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट इस तरह से कह सकते हो आप कि इन एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच पार्ट ऑफ द लूप इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इन दैट लूप. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जैसे सिंपल आप देख लो कि आपके पास क्या है, कोई एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है. इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या है, आपके पास एक सेल यहाँ पे है और आपके पास एक रेजिस्टेंस है. ऐसे हमारे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ और है. इस नेटवर्क में हमारे पास एक रेजिस्टेंस और भी यहाँ पे है. इसको एक्सटेंड करके हम एक और देख लेते हैं कि हमारे पास एक और यहाँ पे सेल है और एक हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है. इस सर्किट में और भी रेजिस्टेंस और भी हम सेल ले सकते हैं. इन सेल के पोजीशन भी आप अलग अलग ले सकते हैं, सेल को यहाँ भी ले सकते हैं. सर्किट में क्वेश्चन में कुछ भी आपको दिया जा सकता है. इस तरह से हमारे पास ये दो सेल, इनके EMF क्या है, E1 और E2 है. E1 है, E2 है. और हमारे पास सर्किट का जो रेजिस्टेंस यहाँ R1 है, यहाँ पे हमारे पास R2 है, और यहाँ पे क्या है, ये R3 है. ये तीन रेजिस्टेंस है. अब इस सर्किट के लिए हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ की बात करते हैं कि किरचॉफ सेकेंड लॉ को कैसे इसमें अप्लाई करेंगे. तो किरचॉफ सेकेंड लॉ जो कहता है कि सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ I into R, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ EMF. देखो ये मतलब है इनका. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस इन एनी नेटवर्क या किसी एक लूप में इज इक्वल टू समेशन ऑफ टोटल EMF ऑफ द सेल. ठीक है ना, ये हमारे पास इसका रूल है. क्या कहता है ये, तो कहता है कि इन एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच पार्ट ऑफ द लूप इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF इन दैट लूप. तो आप देख लो कि हमारे पास अब यहाँ लूप की बात करने आ रहा है कि बार बार लूप आ रहा है. लूप आपको हमने समझा दिया कि लूप हमारा क्या होता है, लूप इज अ क्लोज पाथ. लूप क्या होता है, लूप हमारा एक क्लोज पाथ होता है. तो किसी भी लूप में आप जैसे आप देख लो यहाँ पे आपके पास कौन सा लूप मिल रहा है, इसके नाम दे दो ABCDEF. तो हमारे पास लूप यानी किसी क्लोज लूप में, तो लूप हमारा कौन सा बन जाएगा, ABEFA. एक क्लोज लूप ये बन सकता है या उल्टा चल लो BAFEBA, ये भी क्लोज लूप है. दूसरा हमारा बन सकता है BEDCB या उल्टा इधर से आ जाओ BCDEB. तो कह रहा है किसी भी क्लोज लूप में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है, इनका जो सम है, वो किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ EMF इन दैट लूप. यानी उस लूप में जितने भी हमारे पास बैटरी लगी है, सेल लगे हैं, उनके EMF का सम के बराबर होगा. ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक लॉ है. अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे, यानी अब हम इसको देखेंगे कि किरचॉफ लॉ को कैसे यहाँ अप्लाई करते हैं और इसके कुछ बेसिक रूल्स को भी समझ लेते हैं. जैसे आप ये देख लो कि हमारे पास जो सेल इसकी EMF की वैल्यू E1 है और ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है. यहाँ से सपोज कर लेते हैं यहाँ से जो करंट निकल रही है वो कितनी है, I1 है. और यहाँ से कितनी करंट निकल रही है, ये I2 है. ये करंट आपकी I2 हो गई, यहाँ पे आपकी करंट I1 हो गई. ये दोनों करंट यहाँ देखो, ये दोनों करंट कहाँ जा रही है, इस जंक्शन पे जा रही है, इस जंक्शन में मीट करेंगी. तो यहाँ से करंट ये निकलेगा कौन सा, ये करंट हमारा हो जाएगा I3. ये करंट कितनी हो जाएगी, ये करंट हमारी हो जाएगी I3 हो जाएगा. और ये I3 किसके बराबर हो जाएगा, I3 जो है आप देख लो, अब यहाँ किरचॉफ फर्स्ट लॉ को लगा सकते हो. किरचॉफ फर्स्ट लॉ को लगाओगे तो क्या दिख रहा है कि जो I3 ये आउटवर्ड करेंट है, I1 और I2 कैसा है, ये इनवर्ड करेंट है. तो आप लगा कह सकते हो कि जो I1 प्लस I2 है ये I3 के बराबर है. इस जंक्शन पे देख लो, इस जंक्शन पे क्या हो रहा है, इस जंक्शन पे I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2. अब इसमें ये कहता है कि ये जो I3 पहुंच रही है आगे, देखो ये रेजिस्टेंस R3 से करंट I3 होते हुए यहाँ पहुंचेगी, और इस जंक्शन पे जाने के बाद फिर से क्या होगा, ये जो करंट वापस I1 अपने लूप में आ जाएगी और ये I2 आपके अपने इस लूप में आ गई.
तो ये हमारी सर्किट रेडी है और इस सर्किट में हम लोग किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो किरचॉफ सेकेंड लॉ को अप्लाई करने के लिए एक बेसिक रूल समझ लो। क्या बेसिक रूल समझते हैं? तो बेसिक रूल हमारा ये है कि मान लो हम सर्किट में जिधर ट्रेवल कर रहे हैं, आप एक लूप सेलेक्ट कर लो कि कौन सा लूप हमें लेना है। तो मान लेते हैं कि हमारे जो लूप है, इस लूप का नाम है ए बी, एक क्लोज लूप लेते हैं ए बी ई एफ ए, ये हमारा क्लोज लूप है ए बी ई एफ ए। आप चाहो तो उल्टा भी आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो। तो ए बी ई एफ ए में, इस लूप में क्या कह रहा है कि आप जिधर चलते हो, ठीक है, अब आपने नाम दे दिया, यानी आपको चलना कैसे, किधर चलना है, ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ से ए की तरफ ही जाना है। आपने कहा कि आप चाहो तो इधर भी ले सकते हो ऐसे, लेकिन जब आप इस लूप को कंसिडर करोगे तो आपको फिर इधर ही ट्रेवल करना है। बट करंट का जो डायरेक्शन है वो तो अपना वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आप अपने मन से लूप का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, लूप को आप चाहो तो ऐसे ले लो फर्स्ट लूप को, या फिर ऐसे भी ले सकते हो, तो बिल्कुल आप फ्री हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अब इस लूप में क्या कहता है, समेशन ऑफ, अच्छा अब ये भी देखो ध्यान से कि जब आप जिधर चल रहे हैं, यानी आपने जिधर कंसिडर किया लूप में, अगर उस डायरेक्शन में आप चलेंगे तो ऐसे कंडीशन में करंट और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। करंट और ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो प्रोडक्ट होगा कैसा होगा, पॉजिटिव। पहला रूल यही आपका है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आप देखोगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से किया गया, सबके रूल सही हैं, बट हम जो बताने जा रहे हैं सबसे आसान तरीका है आपको सॉल्व करने का। क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से क्या बताया कि आपने जो लूप सेलेक्ट किया उस लूप में आप चलिए, ए से बी, देखो ए से बी चलना है, बी से ई, बी से ई, तो जिधर आप ट्रेवल करते हैं क्या अगर करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो आप ऐसे कंडीशन में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा कैसा लेंगे, आप पॉजिटिव लेंगे। अगर ऐसा उल्टा होता है कि आप ट्रेवल इधर कर रहे हैं, जैसे मान लो ये करंट इधर से जा रही है और आप इधर से ऐसे आएंगे, तो ऐसे केस में जब आपकी चलने के डायरेक्शन के अपोजिट में अगर आप करंट आ रही है, तो ऐसे केस में करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। पहला रूल तो ये बहुत बेसिक सा रूल है कि कब हम आई और आर को कब पॉजिटिव लेते हैं, आई आर को पॉजिटिव कब लेंगे और आई आर को नेगेटिव कब लेंगे, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। लूप के चलने के डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो आप आई आर को पॉजिटिव लोगे, और लूप के चलने के अपोजिट में करंट फ्लो करेगी तो आपको आई आर प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जो दूसरा रूल, ये फर्स्ट रूल हमारा हो गया, जो सेकेंड रूल है वो क्या कहता है कि आप लूप पे चलिए, लूप में बिल्कुल चलिए आराम से, और आप सबसे पहले जिस टर्मिनल से टकराएंगे, सेल की जिस टर्मिनल से टकराएंगे, आपको उसका नेचर सेल का वैसा लेना पड़ेगा, यानी उसके ईएमएफ को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ से चलें ए से बी, बी से ई, ई से एफ, एफ से वापस चल रहे हैं, तो सबसे पहले जब यहाँ से चलेंगे तो इस सेल से सबसे पहले क्या टकराएगा, नेगेटिव टर्मिनल। तो ऐसे केस में आप सेल को क्या लेंगे, सेल का ईएमएफ कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी सेल का जो टर्मिनल पहले टकराएगा, जैसे मान लो आप लूप को ए से बी इधर चलते, ए से एफ चलते, तो सबसे पहले क्या टकराता, पॉजिटिव टकराता, तो ऐसे केस में सेल का ईएमएफ कैसा लेते हैं, आप पॉजिटिव लेते, यानी वहां पे क्या आ जाता आपका, ये पॉजिटिव आ जाता। बहुत ही बेसिक तरीका है समझने का है। इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करते हुए इसके दो इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन में पूछेगा इस I3 की वैल्यू पूछेगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये पूछ सकता है। तो I3 की वैल्यू क्या है, I1 + I2 के बराबर है, और यहाँ पे वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V = I R, यानी I3 मिल गया, रेजिस्टेंस पता है, तो आप यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी निकाल सकते हो। यानी बेसिक आप याद रखो कि आपको I1 और I2 की वैल्यू ही निकालनी है, मैक्सिमम आपको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। जब ये निकाल लोगे तो फिर आप आगे क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास, हमने क्या किया, पहले रूल क्या कंसिडर कर दिया, ए बी ई एफ ए, अब इसको ये इक्वेशन बनाते हैं इस रूल को फॉलो करते हुए। तो हम ए से कहाँ चले, बी पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी से चले ई पे, रेजिस्टेंस कितना है, R3 है, रेजिस्टेंस हमारा कितना है, R3 है, और करंट कितनी है, I3 है, क्योंकि हम भी इधर जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन भी इधर है, इसलिए क्या लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम यहाँ पे एफ तक, इसके बाद जब इधर जाएंगे तो हम भी इधर जा रहे हैं और करंट का डायरेक्शन भी इधर है, और करंट कितने इसमें है, I1 है, इस तरह से ये भी प्लस हो गया, प्लस I1 × R1 हो गया, और जब यहाँ पहुँचे तो सेल के साथ क्या टकराएगा, नेगेटिव टर्मिनल, सो -E1 = क्या हो गया, 0, -E1 = क्या कर दिया हमने, इसको 0 कर दिया।
अब चाहो तो उसको थोड़ा एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करने मतलब आई थ्री की जगह क्या कर लेंगे हम लोग, आई वन प्लस आई टू कर लेंगे, तो ये हो गया आर थ्री हो गया, और उसकी जगह पे क्या होगा आई वन प्लस आई टू हो जाएगा प्लस आई वन इंटू आर वन इज इक्वल टू ई वन। अब चाहो तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, आई वन के एक साथ कॉमन लेकर के यहाँ आर वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी हमारे पास इक्वेशन कौन सा आएगा I1 यहाँ कॉमन निकालोगे तो R1 प्लस R3 हो जाएगा और यहाँ होगा I2 इंटू R3, यानी पहला इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, तो पहला इक्वेशन हमारा बन जाएगा R1 प्लस R3, देखो R1 प्लस R3 और ये क्या हो जाएगा हमारा ये I1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा I2 इंटू R3, ये R3 हो गया और ये I2 इज इक्वल टू हो जाएगा E1, ये हमारा होगा पहला इक्वेशन। अभी चीज आप और समझ लो कि अगर आपने इस लूप में आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि नहीं हम जो लूप लेंगे वो कुछ ऐसे लेंगे ए एफ ई बी ए, इस लूप को सेलेक्ट करना चाहेंगे तो क्या होगा, तो इस चीज़ को क्या होगा, इस ऐसी चीज़ को ये चीज़ हम जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या होगा, ये इक्वेशन भी हमारे पास यही, यानी ये इक्वेशन भी क्या होगा इसके लिए इक्वेशन यही आएगा सेम, कौन सा इक्वेशन आएगा R1 प्लस R3 इंटू I1 प्लस R3 इंटू I2 इज इक्वल टू E1, ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब इसके लिए भी सेम इक्वेशन आएगा, आप चेक कर लेना। अब आपके पास क्या है, आपके पास दूसरा लूप है, लूप का नाम ले लो, हमने कहा आप बिल्कुल फ्री हो सेलेक्ट करने के लिए, तो इसका नाम ले लो, जो सेकेंड लूप हमारा बनेगा बी ई डी सी बी। इस लूप में फिर से चलने इधर की तरफ जाएंगे, ये हो गया R3 हो जाएगा, R3 करंट कितनी है I3 ये प्लस लेना है, प्लस यहाँ आगे भी जाएंगे तो यहाँ क्या होगा R2, देख लो ये हो गया R2 इंटू I2, I2 इंटू R2 और ये पहले क्या टकराएगा माइनस, तो माइनस E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर लो, I3 को I1 प्लस I2 कर लो, तो ये R3 I1 प्लस I2 प्लस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू ये E2 करना है ना, ये E2 है, ये E2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपको I2 मिल गया, तो यहाँ देख लो I1 इंटू R3 प्लस, अब यहाँ पे I2 को कॉमन निकाल लोगे तो ये हो गया R2 प्लस R3 इंटू I2 इज इक्वल टू E2। ये दो हमारे इक्वेशन आ गए, हमने फिर से हम बता रहे हैं आपको कि अगर आप बाय द वे इधर से मूव करेंगे बी सी डी ई बी लेंगे वापस, तो फिर से यही इक्वेशन आएगा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, आप करके चेक कर सकते हैं, आपको यही इक्वेशन फिर से मिलेगा। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो जाएगा, चेक कर लो क्या हो गया R3 हो गया, R3 यहाँ पे क्या हो गया I2, तो R3 इंटू I1 और ये होगा I2 प्लस I2, ये कॉमन निकल जाएगा R2 प्लस R3, ये आपका इक्वेशन। यानी अब हमारे पास दो वेरिएबल हो गए, कौन कौन से I1 और I2 दो वेरिएबल्स हो गए, इन्हीं वैल्यू को हमको निकालना है, तो आप क्या करोगे, अब इनकी वैल्यूज की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, I1 वैल्यू आ जाएगी आपको, फिर R3 भी आ जाएगा, R3 जब आ जाएगा तो आप यहाँ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। तो आप सिंपल देख लो कि क्या करना क्या है, कैसे करंट निकालनी है, कैसे हमको वोल्टेज निकालना है, सिंपल हमको क्या करना है करंट ही निकालना है, किरचॉफ्स लॉ के में बेसिकली हमको करंट निकालेंगे, तो इस रूल को फॉलो करिएगा, इस रूल को फॉलो करते हुए आप करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बड़े आसानी से दिख जाएंगे और आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई, आसानी समझ में आ गई। अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा लें। थैंक यू।